हेलो एवरीवन, हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, सो इन लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेस वाटर. सो वाटर इज अ लाइफ, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. व्हाई? बिकॉज मेनी सब्सटेंस रेस रेडिली डिसॉल्व इन वाटर, देयरफॉर वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ओके, you have already discussed the detailed information regarding the water in last video. Okay, so today we are going to learn the new topic, that is third natural resources, land. Okay, so land is seen in the form of stones, soil, big rocks. Land में क्या होते हैं? Stones होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं. Soil होती है, big rocks होती है. It is not flat everywhere. वो सभी तरह flat रहती है क्या? नहीं. It is hilly in some places and flat in others. कई जगहों पर hilly रहती है land, कई जगहों पर hilly रहती है तो कई जगह पे flat रहती है. All terrestrial animals including man live on land. जो terrestrial animal है, you know very well terrestrial animal. So what is mean by terrestrial animal? Terrestrial animal means क्या होते हैं? जो animal land के ऊपर रहते हैं, this type of animal known as terrestrial animal. Okay, so all terrestrial animal including man live on land. जो terrestrial animal है as well as man है, वो कहाँ रहते हैं? Land पर रहते हैं. Also some terrestrial dig burrows in the ground for shelter. जो लैंड के अंदर की ज़मीन होती है, मीन्स जो कुछ कुछ एनिमल्स लैंड के अंदर बरोज करके रहते हैं, ग्राउंड जो ग्राउंड होता है फॉर शेल्टर. क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए वो अंदर लैंड के ग्राउंड में, ग्राउंड लेवल पर क्या करते हैं? बरोज करते हैं और वहाँ रहते हैं. दिस मीन दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड. वो अपने नीड पूरी करने के लिए लैंड का यूज करते हैं. ओके, वे आल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स. हम लैंड का यूज क्यों करते हैं? फार्मिंग के लिए, देन बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, रोड के लिए हम लैंड का यूज करते हैं. We make use of plants and animal in the forest that grow on land. हम लैंड का यूज किस के लिए करते हैं? प्लांट्स को लगाने के लिए. हम लैंड का यूज़ कहाँ करते हैं? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. देन एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, इसके लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं. द मिनरल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ऑब्टेंड फ्रॉम द अर्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमें लैंड से क्या क्या मिलता है? मिनरल्स. देन हम लैंड से क्या क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं, देन क्रूड ऑयल निकालते हैं, नेचुरल गैस निकालते हैं. तो ये सब होल चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? लैंड से ही मिलती है. सो इट मीन्स दैट लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसीलिए लैंड क्या है? इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है. ओके, लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड अप ऑफ. सो लेट्स ट्राई दिस. आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. विच एक्सपेरिमेंट? सो फर्स्ट आपको क्या करना है? टेक ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन, सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर. आपको क्या लेनी है? एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेनी है. ओके, देन आपको और क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, देन सम स्टोन्स चाहिए, सैंड और ड्राई लीव्स और वाटर चाहिए. देन आपको क्या करना है? कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ द बॉटल. आपको क्या करना है? जो आपने ट्रांसपेरेंट बॉटल ली थी उसका अपर पार्ट आपको कट कर देना है. ओके, देन पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द लोअर पार्ट एंड एड वाटर. जो हमने पूरी थिंग्स ली थी, कौन सी थिंग्स ले दी? सॉइल, स्टोन, सैंड, ड्राई लीव्स, वाटर, ये कहाँ डालने हैं? वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में डाल देना है. ओके, और उसमें वाटर ऐड करना है, ऐड वाटर. ओके, देन स्टीयर द मिक्सचर थ्रू आउटली एंड पुट इट असाइड. आपको क्या करना है? उसे अच्छे से मिक्सचर को बनने देना है और उसके बाद उसको एक साइड रख देना है. ओके, देन ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे एंड आंसर. इसको एक दिन के लिए वैसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट विल हैपन. हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ?
देन आपको नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे यानी, और आपको आंसर देना है. हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक, बॉटल में का मिक्सचर कैसे दिख रहा है. डू यू सी लेयर्स इन इट, क्या आपको उस बॉटल में लेयर्स दिख रहे हैं. वॉट इज सीन इन द डिफरेंट लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो टॉप टू बॉटम लेयर फॉर्म हुआ है वहाँ के आपको क्या क्या थिंग्स दिख रही है. सो सी द फिगर लेयर्स ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल. देखो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, बाद में उसको हमने छोड़ दिया था, तो देखो क्या ऑब्जर्व, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ लेयर्स फॉर्म हुए हैं. ओके सो ड्राई लीव्स कैसे रहते हैं, ड्राई लीव्स कैसे रहते हैं, हल्के रहते हैं, इसीलिए वो कहाँ आ गए हैं, ऊपर आए गए हैं. सो टॉप लेयर पर क्या है, ड्राई लीव्स है. उसके बाद क्या आई है, सेकेंड लेयर पर क्या है, सॉइल है. देन थर्ड इसमें सैंड है, और नीचे के जो बॉटम का जो लेयर है वहाँ क्या है, स्मॉल स्टोन्स एंड बिग स्टोन. तो ये ऐसे क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो हमारी लैंड है ऐसे ही फॉर्म होती है. ओके सो द लैंड ऑन द अर्थ आल्सो लुक लाइक दिस. सो तो जो हमारी अर्थ में की अर्थ के ऊपर की जो लैंड है ऐसे ही फॉर्म है, इसीलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था. ओके अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ओके सो नेक्स्ट, द लैंड ऑन द अर्थ आल्सो लुक लाइक दिस, हमारे अर्थ के ऊपर की लैंड भी ऐसे ही दिखती है. द लैंड ऑन द अर्थ आल्सो लुक लाइक एज शोन इन द एक्सपेरिमेंट वॉटर. ओके इफ ए पाइप लाइन इज बींग लेड इन यूर नेबरहुड, ऑब्जर्व केयरफुली द पिट्स टक्स फॉर दिस पर्पज. देखो आपके आजू बाजू में अगर पाइप लाइन डग कर रहे हैं, मतलब खुदाई का काम शुरू है, यू विल सी सम लेयर्स अंडर द लैंड सर्फेस एज शोन इन द अकमंगमीन फिगर. देखो आप जो सिद्ध फिगर, आप आपके आजू बाजू में आपके नेबर में अगर पाइपलाइन का खुदाई का काम शुरू होगा, तो आपको ऑब्जर्व करना है वहाँ भी ऐसे ही लेयर फॉर्म होते हुए दिखेगी. ओके इफ द लैंड हैज़ मैच्योर सॉइल, सी द फिगर. ओके लेयर्स ऑफ लैंड, इफ द लैंड हैज़ मैच्योर सॉइल द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो डीके पार्ट रहता है वो क्या हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है. मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, इसीलिए टॉप मोस्ट लेयर फॉर्म होता है. सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमस. जो आप सी द फिगर, टॉप मोस्ट लेयर, वाई द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म, टॉप मोस्ट लेयर कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, पहले क्या होता है, जो रिमेन्स थिंग्स रहती है प्लांट्स और एनिमल्स की, ओके वो क्या हो जाते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. मिक्स होने के वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म कॉल्ड एज ह्यूमस. तो सबसे ऊपर के टॉप मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है. ओके इट इज़ यूजली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, ये कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है. द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड सॉइल स्मॉल स्टोन्स वर्म्स एंड इंसेक्ट. देखो द लैंड बिलो दिस इज द फुल ऑफ सैंड, और लैंड के नीचे क्या क्या रहता है, सॉइल रहती है, देन स्मॉल स्टोन्स रहते हैं, वर्म्स रहते हैं और इंसेक्ट रहती है. ओके सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक आर फाउंड बिलो दी लेयर ऑफ द लैंड. सबसे जो नीचे का लेयर है, बॉटम का लेयर है, वहाँ क्या क्या दिख रहा है, लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स. जो स्मॉल रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, वो कहाँ दिख रहे हैं हमें, हमें कहाँ दिख रहे हैं, वो जो बॉटम का लेयर है, सीधे फिगर बॉटम का फिगर है, वहाँ दिख रहे हैं. ओके दे द सॉइल इज इमैच्योर, फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एंड द दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेस. देखो सेकेंड, पहले ह्यूमस, सबसे फर्स्ट लेयर कौन सा है, ह्यूमस, देन सेकेंड लेयर में क्या क्या है, सॉइल है. तो जैसे जैसे बॉटम में जाएंगे हम, जैसे जैसे नीचे के लेयर में जाएंगे, वैसे वैसे सॉइल क्या होती जाएंगी,
सॉइल क्या क्या सॉइल क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, और रॉक स्टोन्स के है उनके उनका प्रोपोर्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे नीचे की लेयर में जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सेकेंड इस पर सॉइल कैसी रहेगी, सेकेंड लेयर में सॉइल कैसी रहेगी, इंक्रीज रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे द प्रोपोर्शन ऑफ स्टोन्स रॉक्स आर इंक्रीजेस। ओके, मीन्स सॉइल क्या हो रही है, कम हो रही है, और कौन सा प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, रॉक्स का, देन स्टोन्स का, बड़े बड़े पत्थरों का, रॉक्स का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। ओके, दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक। वो तो फिर जो पत्थर है, रॉक्स है, वो कौन सी लेयर है, बेड रॉक की लेयर है। सो द बॉटम लेयर इज कॉल्ड एज बेड रॉक। ओके, देन द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस रॉक। ये रॉक की वजह से ही जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, रॉक्स होने की वजह से वहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वॉय सॉइल इन डिफरेंट रीजन इज़ डिफरेंट। इसीलिए हर एक रीजन में सॉइल कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एरिया में हम ले लो, अगर हम वरोरा के फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ की लैंड कैसे दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। और सामने के एरिया में जाएंगे कहाँ, रेड दिखेगी, कहाँ ब्लैक दिखेगी। ओके, सो ये क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, मेन मिनरल्स है, वो रॉक्स है, वो क्या हो जाते हैं अलग अलग, मतलब बेड रॉक का प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। इसीलिए सॉइल डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होती है। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द रॉक। बेड रॉक के ऊपर ही कलर ऑफ द सॉइल एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड रहता है। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द रॉक, बेड रॉक के ऊपर ही सॉइल का कलर और टेक्सचर डिपेंड रहता है। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस लैंड। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।